डियर कस्टमर, ये TICB6M DG प्रीमियम डिजिटल हैंगिंग स्केल है। इसकी कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी 200 kg है। एक्यूरेसी 10/50 ग्राम ड्यूल एक्यूरेसी है। 50 kg तक ये 10 ग्राम दिखाता है और उसके 50 kg के बाद अप टू 250 ग्राम्स में एक्यूरेसी दिखाएगा। ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि ये मास्टर मेनू सेटअप और कैलिब्रेशन के रिगार्डिंग है कि आपको अगर वेट कुछ डिफरेंट दिखा रहा है या कुछ वेट में कैलिब्रेशन आपको ज़रूरत है तो आप कर सकते हो। वेट कैलिब्रेशन का जो डिस्टर्ब होना और वेट सही नहीं दिखाना, वो उसका रीज़न क्या होता है कि आप या तो बैटरी लो हो जाता है, समझ लो कि आप अपने काफ़ी टाइम तक बैटरी को चार्ज नहीं किया तो लो, उसके कारण मेनू डिस्टर्ब हो जाता है और वोल्टेज प्लस माइनस होने से भी और मिस हैंडलिंग होने से भी ये मेनू सेटअप बिगड़ जाता है और कैलिब्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब हम मेनू सेटअप और कैलिब्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है वो आपको दिखाते हैं। पहले मशीन को ऐसे कहीं पे प्रॉपर हैंग करना है और बैटरी फुल चार्ज करके ही ये प्रोसेस करना है। यहाँ पे टेयर मोड एम प्लस और एमआर की 4 की है। आपको पहले मशीन बंद करना है और एमआर का जो स्विच है राइट हैंड साइड का फर्स्ट स्विच आपको प्रेस करके रखना है और यहाँ से ऑन करना है। एंटर आने तक आपको होल्ड करके रखना है। एंटर आने के बाद आपको टेयर से ही आगे बढ़ना है। ये रेड कलर वाली स्विच जो टेयर है उससे ही आपको आगे बढ़ना है। अभी आपको टेयर प्रेस करेंगे तो मेनू में आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास कुछ जो भी सिलेक्शन है आपको स्टैंडर्ड मेनू सेटिंग में NF4 कर रख सेट करना है। फिर आगे ये D1 SS0, इसको अगर 1 है तो आपको 0 स्टैंडर्ड सेटिंग में 0 रखना है। फिर ये SLP में 5 सेट करना है। यहाँ से आप कुछ चेंज हो तो आप यहाँ से 5 कर सकते हो। और आगे बढ़ने से ऑटो 0 का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको 3 और 9 दोनों में से कोई भी आप रख सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड में हम 9 सेट करते हैं। ये आपको यहाँ से चेंज होगा। 9 हम फैक्ट्री सेटिंग हमारा 9 रहता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये DU01, इसको DU01 ही रखना है। अगर आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट दिखा रहा है तो आपको 1 सेट करना है। ये वो यहाँ से ही होगा 1, लेकिन स्टैंडर्ड सेटिंग 1 है। इसके बाद आपको TYN, इसको 0 ही रखना है, इसको कोई चेंज नहीं करना है। इसमें FLT1 0 ही रखना है, ये स्टैंडर्ड सेटिंग में 0 ही है। फिर FLT2 में भी 0 ही रखना है। फिर KEL, और उसके बाद सीधा आपको रेंज दिखाएगा। रेंज 2 ही होना चाहिए। रेंज 2 के बाद इसको आपको चेंज नहीं करना है। अगर कुछ 1 दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है तो आपको ये M+2 करके आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको FD101 यहाँ पे रखना है। अगर कुछ इसके अलावा कुछ और शो करता है तो आप M+1 कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड में आपको 1 ही रखना है। इसके बाद आपको DP12, इस पर 2 ही सेट करना है। आपको स्टैंडर्ड सेटिंग में 2 ही रहेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, कैप 1 शो कर रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे 50.00 ऐसे लिखना है, और लिखने के लिए आपको ये M+ से आप लिख पाएंगे। समझ लो कि आप अगर कुछ है तो MR दबा के आपको पहले 0 कर देना है और M+ 5 बार दबाना है और MR से आप शिफ्ट कर पाओगे, लेकिन 50.00 ऐसे लिखना है। उसके बाद टेर फिर अगेन प्रेस करना है। आपको FD205, अगर यहाँ पे कुछ और दूसरा शो कर रहा है तो आपको 5 सेट करना है। समझ लो कि ये स्टैंडर्ड सेटिंग में 5 ही रखना है। इसके बाद आपको DP22, अगर आप में कुछ डिफरेंट दिखाया है तो आपको इससे M+2, लेकिन स्टैंडर्ड सेटिंग 2 ही रखना है इसका, DP22। फिर आपको CAP2 दिखा आएगा। CAP2 में आगे बढ़ने से टेयर से ही आगे बढ़ना है। उसमें आपको जो भी कैपेसिटी दिखा रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड हमारा जो फैक्ट्री सेटिंग में 200 का रहेगा, 200.00 आपको लखना है, और M+ और MR से ही आप कर पाओगे। मैं फिर से करता हूँ, अगर आपको कुछ गलती हो जाती है तो आप MR दबा के पूरा सेट पूरा 0 करके M+ 2 बार और MR 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रेस करेंगे तो 200.00, लेकिन मास्टर सेटिंग में सेकंड कैपेसिटी 200.00 ही होनी चाहिए। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो टेयर दिखाएगा और नो लोड लिख के ये काउंट लोड सेल के काउंट शो कर रहे हैं। लोड सेल के काउंट आने के बाद आपको ऐसे
हुक को टच करना है। हुक को टच करने से काउंट बढ़ने चाहिए। अगर समझ लो कि काउंट हैंग हो गए या कुछ हिल नहीं रहे तो इसका सीधा प्रॉब्लम लोड सेल रिलेटेड है, या तो लोड सेल फेल है या तो लोड सेल के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। तो पहले ये कंफर्म करना है, ऐसे टच करके आपको देखना है। अगर टच करने से ये काउंट ऐसे प्लस माइनस हो रहे तो वो ठीक है। काउंट स्टेबल होने के बाद एक बार अगेन टेयर आपको प्रेस करना है, उसके बाद लोड आएगा। लोड आने के बाद लोड माने कि आपको यहाँ पे एक वेट, स्टैंडर्ड वेट, जो वेट वेट कौन सा रहेगा आपको, जो आपको सही हो कि भाई स्टैंडर्ड वेट है, करेक्ट वेट है, वही आपको हैंग करना है, क्योंकि उसके हिसाब से ही स्केल कैलिब्रेट होगा। अभी मैं आपको यहाँ पे ये मैं 20 किलो का वेट हैंग कर रहा हूँ। 20 किलो का वेट हैंग करके आपको वेट करना है कि ये काउंट हैंग करने के बाद ये थोड़ा स्टेबल हो जाए। जो भी वेट हैंग किया है तब तक आपको वेट करना है जब तक आपका ये हैंग किया हुआ वेट स्टेबल हो जाना चाहिए। स्टेबल होने के बाद आपको अगेन टेयर प्रेस करना है। टेयर प्रेस करके जब तक वो स्टेबल नहीं होगा वो आपका टेयर ओके नहीं होगा। जैसे अभी समझ लो कि आपने 20 किलो लगाया तो आपको एम प्लस दो बार प्रेस करना है, उसके बाद MR ऐसे 20.00 लिखना चाहिए। अगर इसकी जगह आपने 10 लिखा है, समझ लो कि एग्जांपल 10 किलो लिखा है, तो आपको 10.00 लिखना है। अगर आपने समझ लो कि 30 केजी हैंग किया है तो 3.00 लिखना है। अभी हम सैंपल वीडियो के लिए 20 किलो हैंग किया है तो हम अगेन इस पे 20 किलो टाइप करते हैं। 20 किलो टाइप कर 20.00 ऐसे सेट करना होता है। अभी ये 20 किलो हैंग किया हुआ है, 20 किलो यहाँ पे हमने टाइप किया है। उसके बाद अगेन आपको लास्ट फाइनली टेयर प्रेस करना है। टेयर मशीन रिस्टार्ट होगा टेयर प्रेस करने से और आपने जो हैंग किया वो वेट आ जाएगा। अभी है ये ओके हो गया। अभी आप फिर से एक बार लगा के आप हैंग कर सकते हो। इसका प्लस माइनस एक्यूरेसी 10 ग्राम है और मिनिमम आप 200 ग्राम वेट कर सकते हो। ऐसे आपको 210 मिनिमम इतना आप वेट कर सकते हो इस पर। ओके, थैंक्स।